अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। नमस्कार, BITV एक नेशनलाइज्ड वेब बेस्ड चैनल है। जिंदगी के हर एक किरदार में ट्रेनिंग के गुण बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ट्रेनिंग गुरु ये एपिसोड एक कामयाब ट्रेनर के जरिए हमें ट्रेनिंग के गुणों को दर्शाता है। ट्रेनिंग गुरु के आज के एपिसोड में आज के हमारे जो गेस्ट हैं, इनका नाम मिस्टर प्रशांत सावंत है। प्रशांत जी की खासियत यह है कि ये बॉलीवुड अंदाज में ट्रेनिंग देते हैं। इन्होंने बिजनेस लेसन्स फ्रॉम बॉलीवुड नामक एक पुस्तक भी लिखी है और पिछले 8 सालों से ये बहुत ही यूनिक तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अपने स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझकर उन्हें ट्रेनिंग के माध्यम से सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ये इनकी कला है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर प्रशांत सावंत से और उनसे ट्रेनिंग के गुणों को समझते हैं। प्रशांत जी, मैं आपका ट्रेनिंग गुरु की आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू, वेलकम सर। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूँगा कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए या फिर एक बिजनेसमैन के लिए ट्रेनिंग के गुण क्यों मान्यता रखते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप देखोगे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जनरली अपने प्रॉस्पेक्ट्स को मिलता है और उनसे वो 1-to-1 बात करता है। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र किसी प्रॉस्पेक्ट को फ़ोन करेगा, उनकी अपॉइंटमेंट लेगा, उनके साथ बैठेगा, उनको एक्सप्लेन करेगा, उनके नीड समझेगा, उनको सोल्यूशन देगा। दैट इज़ द राइट वे व्हाट दे आर डूइंग करंटली। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र अच्छा ट्रेनर है तो वो एक साथ बहुत सारे लोगों से बात कर सकता है। तो इफ यू सी जनरली वी डू 1-to-1, एक आदमी एक प्रॉस्पेक्ट के साथ बैठ के बात कर रहा है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर एक प्रॉस्पेक्ट के साथ बैठ के बात कर रहा है। बट एक फाइनेंशियल एडवाइजर एक साथ अगर 100 लोगों से बात करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अगर वो ट्रेनर है, उसमें वो ट्रेनर की क्वालिटीज है, पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी, नॉट गेटिंग बॉक डाउन व्हेन देयर इज क्राउड, ये सारी चीजें अगर उसमें आती है जो ट्रेनर की क्वालिटीज है, तो एक साथ बहुत सारे लोगों से बात करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। क्योंकि हर एक आदमी के पास 24 घंटे है, 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप पैक कर सकते हो। तो इन दिस वे अगर वो पब्लिक स्पीकिंग या मास स्पीकिंग जानता है तो एक साथ ज़्यादा लोगों से कॉलिंग हो जाएगी और ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को अगर ट्रेनिंग की एबिलिटी है तो उसका फ़ायदा होगा। परफेक्ट। तो जनरली जो है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र वो 1-to-1 काम करता है, 1-to-1 काम करता है, 1-to-1 काम करता है। लेकिन अगर उसमें ट्रेनर की क्वालिटी आ जाए, जैसे कि निडर होके कई लोगों के सामने बात करना, अगर ऐसे वो करना शुरू करे तो अपने बिजनेस को बड़े स्केल पे लेके जा सकता है। तो इसीलिए उसमें जो है ट्रेनिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। प्रशांत जी, एक ट्रेनिंग किस हद तक लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकती है, इसे आप अपने किसी पर्सनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से हमें बताएं। कि मेरे हिसाब से ट्रेनर जो है, जिसे हम गुरु बोलते हैं, गुरु का मतलब है इन संस्कृत गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स उजाला, जो आपको अंधेरे से उजाले के लेके जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनमें एक क्वालिटी है, लेकिन यू नीड समबडी एल्स टू टेल यू कि आप में दम है। सचिन तेंदुलकर के लिए उसका भाई था जो बोला तेरे में दम है, तू कुछ कर सकता है। अमिताभ बच्चन के भाई साहब थे, वो बोलते थे अमिताभ तू कर सकता है। समटाइम्स वी डोंट सी दैट टैलेंट विच इज देयर इन आवर ओन सेल्फ, हमें वो नहीं समझ में आता कि हमारे पास वो है। लेकिन थर्ड पार्टी जो है, जो आपका गुरु है, ट्रेनर है, मेंटर है, वो देख देता है कि आप में वो क्वालिटी है और आपको वो क्वालिटी को बाहर निकालने में मदद करता है। तो हर एक आदमी के ज़िंदगी में ट्रेनिंग की बड़ा महत्व है मेरे हिसाब से। आप देखोगे बड़े सारे लोग जो बहुत सारे सक्सेसफुल है, वो बोलेंगे ये मेरा गुरु है, या दे विल से आई हैव रेड दिस बुक और ये बुक से मैंने कुछ प्रेरणा ली और मैं कुछ बना, तो बुक उनका ट्रेनर है। कोई बोला मैं मूवी देखी, जैसे मैं हमेशा सोचता हूँ कि शोले, दीवार और त्रिशूल, शोले, दीवार, त्रिशूल, 3 मूवीज ऐसी है कि आदमी ने उसकी उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। आई जेन्युइनली फील कि ये तीनों मूवीज स्कूल में सिखानी चाहिए। तो मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, आई एम मीटिंग फ्यू पीपल, 2nd, 3rd, 4th स्टैंडर्ड में सिखाना चाहिए कि व्हाट इज शोले, व्हाट इज दीवार, व्हाट इज त्रिशूल, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। दैट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये तीनों मूवीज ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ट्रेनिंग से मैं खुद अमिताभ बच्चन के किरदार जो अमिताभ ने निभाए, जैसे दीवार में हुआ या त्रिशूल में हुआ, शोले में हुआ, एक किरदार से मैं कुछ बहुत सारा प्रेरित हूँ। माय अपब्रिंगिंग इज रन बाय दीवार, त्रिशूल एंड शोले। अच्छा। जैसे मैं सोचता हूँ कि कहीं भी जाके, जैसे अमिताभ बच्चन दीवार में था, यू शुड नॉट फियर एनीबडी, चले जाके अटैक करता था किसी को भी, तो मैं भी अपने, जैसे मैं जब बिजनेस में था या मैं जॉब कर रहा था, मैंने कभी किसी, जब मुझे लगा मैं यहाँ डर रहा हूँ, तो मैं उसका नहीं, अमिताभ नहीं डरता, ही वुड हैव गॉन, तो मुझे भी जाना है। तो
तो उससे प्रेरित होकर मुझे बहुत फायदा हुआ। इस तरह से मुझे लगता है कि ट्रेनर आपके जिंदगी में बहुत सारा बदलाव ला सकता है, आपको अंधेरे से उजाले तक लेके जा सकता है। और इसके लिए आई थिंक ट्रेनर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील किसी भी सक्सेसफुल आदमी के बीच। सक्सेसफुल आदमी के लाइफ में ट्रेनर का बहुत बड़ा महत्व है, ऐसा मुझे पर्सनली। परफेक्ट। तो आप प्रशांत जी, आप कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हमें बता सकते हैं कि इस इंसान की जिंदगी जो है ट्रेनिंग की वजह से ऐसे इतनी बदल गई? हालांकि देखो क्या है, मैं उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहता, क्योंकि क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल। लेकिन अगर रमाकांत आचरेकर जिन्होंने सचिन को ट्रेनिंग दी, अगर रमाकांत आचरेकर, ऑफकोर्स आई रिस्पेक्ट हिम, लेकिन अगर रमाकांत आचरेकर बहुत ज़बरदस्त अगर टीचर है तो ही कुड हैव प्रोड्यूस मे बी 20-30 सचिन तेंदुलकर्स। या द्रोणाचार्य अगर बहुत अच्छा ट्रेनर थे तो 105 अर्जुन होते। तो ट्रेनिंग इज व्हाट नो एजुकेशन का डिक्शनरी मीनिंग है टू टेक आउट। कोई भी आपको एजुकेशन ऐसे देगा, आपको लेना है, तो ट्रेनर की एक हद तक आपके साथ आएगा, उसके बाद में आप ही को उसको पकड़ के आगे लेके जाना है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने जिनको भी ट्रेनिंग लिया, वो सारे नहीं लेकिन फ्यू ऑफ देम टुक दैट एंड बिकेम समबडी इन लाइफ। देयर इज वन लेडी विच आई डोंट वॉन्ट टू नेम हर, लेकिन उसके बहुत प्रॉब्लम थे, फाइनेंशियल इशू था, शी हैड डाइवोर्स ऑल्सो विद हर हस्बैंड, बहुत सारी तकलीफ से शी वॉज गोइंग एंड शी अटेंडेड माई ट्रेनिंग। आई हैव अ ट्रेनिंग कॉल्ड नो फील्ड कोचिंग वेयर आई टेक देम आउट हाउ टू गो टू फिल्म स्टार्स, हाउ टू गो टू बिग बिजनेस पीपल, हाउ टू टॉक टू एनी बडी। इस तरह का मेरा एक्चुअल कोचिंग है, बिकॉज आई थिंक सेलिंग इज अ स्किल एंड दैट कैनॉट बी 100% लर्न इन क्लासरूम। यू कैन लर्न समथिंग इन क्लासरूम बट यू हैव टू गो इन द फील्ड। यू कांट लर्न स्विमिंग इन क्लासरूम, लाइक यू कांट लर्न एंटायर सेल्स स्किल्स इन क्लासरूम। तो वो लेडी ने मेरे साथ ये मेरा जो फील्ड का कोचिंग है ज्वाइन किया। सो आई टुक हर टू लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, बहुत जगह से मैं उसे लेके जाके उसको दिखाया कि हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ आई कैन अप्रोच एनीबडी, हाउ टू प्रेजेंट व्हाट आई एम सेलिंग। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी, शी वॉज वर्किंग फॉर अ वेरी मीगर सैलरी इन वन ऑफ द कंपनीज इन फोर्ट। आज उसका फोर्ट में ही एक ऑफिस है, भले वो रेंट पे है, छोटा है, लेकिन उसका खुद का ऑफिस है। शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस एंड वो मुझे फ़ोन करके इवन 4 दिन पहले उसने बोला कि जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर था, शायद आई कैनॉट से कि मैंने वो लाया, वो उधर ऊपर वाली जो कचरा हमने निकाल के वो कॉन्फिडेंस को मैंने बाहर लाया और आज वो बहुत अच्छी तरह से अपना बिजनेस कर रही है। शी इज़ सेलिंग लाइक हॉट केक्स जो भी उसका प्रोडक्ट्स है एंड शी इज़ वेरी 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 सक्सेसफुल हैप्पी और एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वूमन हो गई है। तो ऐसे कुछ केसेस है जो मुझे बहुत सारा खुशी देते हैं कि मैंने जो भी उनको सिखाया, दे मेड समथिंग आउट ऑफ देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ जो भी मैंने छोटा बहुत थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उनमें डाला है। सो दिस इज द एग्जांपल व्हिच कम्स टू माय माइंड इमीडिएटली। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया प्रशांत जी आपने। प्रशांत जी, एक प्रोफेशनल ट्रेनर बनने के लिए किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? प्रोफेशनल ट्रेनर अगर आपको बनना है तो आपको ये पहला पूछना है अपने आप से कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट आई लाइक। क्योंकि आप ट्रेनिंग जब करने जाते हो तो इट शुड नॉट बी बोरोड फिलोसॉफी कि मैंने 4 वीडियो देख लिए बोले चलो मैं भी करूँगा, दैट मे नॉट वर्क। सो आई शुड बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड उसी के ऊपर मुझे ट्रेनिंग करना चाहिए। जैसे आप देखोगे कि मेरे को बॉलीवुड फिल्म्स का बहुत शौक है, तो मैं बचपन से मूवीज़ बहुत देखते आ रहा हूँ और बाद में मैंने करीबन 30 साल कॉरपोरेट में काम किया, जहाँ मैंने बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स पे काम किया। तो बाद में जब मैंने सोचा कि यार बहुत हो गया, अभी आई हैव डन व्हाट एवर आई वाज सपोज्ड टू डू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मैंने सोचा अभी रिटायर हो जाऊँ। तब मैंने सोचा व्हाई कांट आई डू दिस, व्हाई कांट आई मर्ज दिस टू, जो मैंने 30 साल जो सीखा है सेल्स का और जो मैंने ज़िंदगी भर सीखा है मूवीज़ का, सो आई मर्ज दैट। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई एनी ट्रेनर ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट एनी सब्जेक्ट, वो उसमें मास्टर होना चाहिए, उसको बहुत सारा चीज़ मालूम होना चाहिए, अदरवाइज दैट कम्स थ्रू। मतलब आप ट्रेनिंग दे रहे हो और आपको टॉपिक के बारे में पूरी तरह नहीं मालूम है, सो यू लूज द ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ द ऑडियंस एंड दे डोंट फॉलो यू दे। सो मेरे ख्याल से एक प्रोफेशनल ट्रेनर में जो भी सब्जेक्ट वो ले रहा है उसका मास्टर बनना चाहिए। एंड इफ यू आर मास्टर, इन फैक्ट इट इज सेड दैट इन टूडेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड दे से लेस इज मोर, लेस इज मोर। सो यू हैव टू टेक समथिंग एंड बिकम मास्टर ऑफ दैट। मे बी यू कैन डू, जैसे मैं कर रहा हूँ बॉलीवुड बेसिस पे कर रहा हूँ, आई हैव हर्ड समबडी इज डूइंग ऑन शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज की लाइफ को लेकर कोई कर रहा है, कोई भगवदगीता के ऊपर कर रहा है, कोई क्रिकेट के ऊपर कर रहा है। तो यू हैव टू टेक दैट सब्जेक्ट एंड कनेक्ट दैट विद बॉलीवुड एंड नो दैट सब्जेक्ट लाइक बैक ऑफ योर हैंड, और वो सब्जेक्ट के आप मास्टर होनी चाहिए एंड यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग यूर सेल्फ। इट इज नॉट कि आपको मालूम है तो हो गया, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट एंड देन दैट इज अ साइन ऑफ अ गुड प्रोफेशनल ट्रेनर, ही इज मास्टर ऑफ व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। परफेक्ट परफेक्ट। तो मुझे ये समझ में आया कि एक परफेक्ट ट्रेनर जो होता है वो अपनी यूनिक एबिलिटी को समझता है और उस यूनिक एबिलिटी को
यूज करता है अपनी ट्रेनिंग में, तो इस हिसाब से वो एक परफेक्ट ट्रेनर बनता है। सही है। विशाल जी आपसे जानना चाहूंगा कि एक जो परफेक्ट ट्रेनर होता है उसके पास में एक आम ट्रेनर से क्या एक्स्ट्रा होता है? परफेक्ट ट्रेनर जो है वो अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरह जानता है। परफेक्ट ट्रेनर जो है अपने सब्जेक्ट मैटर में अपने ऊपर कंटिन्यूस काम करता है, जो भी सब्जेक्ट मैटर में, जैसे बॉलीवुड फिल्म से मैं बात करता हूँ, मेरी ट्रेनिंग सारी बॉलीवुड फिल्म से प्रेरित है, तो आई टेक लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम बॉलीवुड। सो आई वर्चुअली वॉच ऑल द मूवीज विच रिलीज ऑन फ्राइडे, फ्राइडे मॉर्निंग को मैं थिएटर में रहूँगा, तो सारी मूवीज में देखता हूँ और मुझे उसमें से कुछ ना कुछ मिलता है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो घड़ी बंद है वो भी दिन में दो बार सही समय दिखाती है। Okay. तो मैंने ऐसे कई पिक्चर देखे जिसमें पिक्चर में तो दम नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सारे उसमें से एक भी चीज मिलती है तो भी बहुत जबरदस्त बात है। जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, एक मूवी थी बेशरम, जो रणबीर कपूर ने की, पिक्चर खास नहीं थी, फ्लॉप हो गई, लेकिन उसमें एक सीन है, रणबीर कपूर जाता है वो हीरोइन के पास, शी इज अ हाई क्लास लेडी ड्राइविंग अराउंड मर्सिडीज, तो रणबीर कपूर उसके पास जाता है, उसके ऑफिस में जाता है, उसके सामने बैठता है और बोलता है कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, और ये रोड छाप गुंडा दिखाया, तो बोलते आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो बोल हीरोइन जो शी शॉक, क्या बात कर रहे हो, तो बोलता डोंट वरी, डोंट गेट शॉक, मैंने तो सब डिसाइड किया है, लड़का होगा तो नाम रखेंगे अमिताभ, लड़की होगी तो नाम रखेंगे रेखा एंड ऑल दैट। तो उसे समझ में नहीं आ रहा यार व्हाट द हेल इज हैपनिंग, बोलते एक मिनट आ जा, उसको लेकर अपने ऑफिस के कैबिन के बाहर आती है और पूरे स्टाफ को बुलाती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग खड़े हो जाते हैं, फिर वो बोलती है कि देखो ये लड़का जो है मुझसे शादी करना चाहता है। द मोमेंट शी सेज दैट लोग हंसते हैं, क्योंकि ये गुंडा दिख रहा है रोड साइड का, छपरी हो रही है एकदम हाई क्लास, तो बोलती समझ में आ गया, मैंने सिर्फ ये बोला तो ये लोग हंस रहे, तो तुम्हारी अवकात समझ में आ गई, गेट आउट करके हकाल दे। जब उसको हकाल दिया वो जाता है तो नीचे वो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो सब देखा है, सिक्योरिटी गार्ड उसको पूछता है कि आपका अभी दिल टूटा होगा ना, दिल टूटा होगा, तो रणबीर कपूर जो बोलता है वो सेल्स वालों ने याद रखने वाली बात है। ओके। तो बोलता है कि मेरा दिल टूटा नहीं, क्योंकि मेरे सीने में दिल नहीं है, मेरे सीने में जिगर है जो कभी टूटता नहीं। क्या बात। तो सेल्स वालों ने जिगर रख के जाना चाहिए, दिल लेके जाओगे, दिल लेके जानता नहीं मैं तो ये मानता नहीं, ऐसा हो जाए। यू हैव टू गो विद जिगर, आपको कोई भी चीज कोई भी रिजेक्शन का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके। तो इस तरह का जो मैं स्टडी करते रहता हूँ, तो मेरे ख्याल से एवरी ट्रेनर शुड कीप ऑन डूइंग दैट एंड नो मेक एडिशन टू देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन अ डेली बेसिस, ये मुझे लगता है वो है राइट काइंड ऑफ ट्रेनर देन समबडी हु इज जस्ट ट्राइंग टू ट्रेन। बहुत बड़ी बात आपने बोली कि एक जो परफेक्ट ट्रेनर होता है अगर उसके अंदर जो है दिल नहीं होता, उसके पास जिगर होता है, ये क्वालिटी उसमें होती है, इसीलिए वो एक परफेक्ट ट्रेनर होता है और ये उसकी एक्स्ट्रा चीज होती है उसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।